सो हे गाइस, मोटर ब्लॉग इंडिया की एक और नई वीडियो में आप सभी भाइयों का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है ना गाइस, काफ़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हमारे पास है यामा की FZX का ब्रांड न्यू कलर। ये जो कलर है ना गाइस, अभी ना कुछ समय पहले भारत मोबिलिटी एक्सपो में 2024 में लॉन्च किया गया था, यानी शोकेस किया गया था। तो सेम वही कलर अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है, जो कि काफ़ी मस्त लग रही है गाइस। पहले ना ये कलर आपको MT15 में देखने को मिलता था, उसके बाद आपको यहाँ पर रे में देखने को मिल जाता था, जो कि काफ़ी मस्त लगती है गाइस। और वही कलर अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है विथ कॉन्ट्रास्ट अलॉय व्हील्स, जो कि काफ़ी मस्त लगते हैं गाइस। ऑरेंज कलर के आपके यहाँ पे देखने को मिल रहे ना, तो काफ़ी प्यारे लगते हैं। तो आज की वीडियो में देखेंगे गाइस कि यहाँ पे आपको कलर के अलावा आपको और क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, प्राइसिंग क्या होने वाली है, हर एक डिटेल के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिरी तक देखना, आपको सारे डिटेल्स मिल जाने वाले। तो सबसे पहले गाइस, आप इसकी ओवरऑल लुक्स चेकआउट कर लो, काफ़ी मस्त लगते हैं गाइस। काफ़ी बल्की आपको यहाँ पे इसके लुक्स देखने को मिल जाने वाले हैं। इसकी आप टैंक ही ऊपर देखो ना गाइस, कितनी बड़ी से आपको यहाँ पे टैंक देखने को मिल जाती है। काफ़ी मस्कुलर आपको यहाँ पे इसकी टैंक देखने को मिलने वाली है। फ्रंट से शुरू करेगा इस, तो यहाँ पर आपको ना फुल्ली LED सेटअप देखने को मिल जाने वाला है। यहाँ पर आपको यामा की लोगो देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगती है। और इसके जो ब्लिंकर्स है, वो भी अब आपको यहाँ पे LED में देखने को मिल जाने वाला है, जो कि काफ़ी प्रीमियम टच दे देती है। और इसके हेडलाइट चेकआउट कर लो गाइस, क्या ही लुक आती है गाइस, बहुत मस्त। आपको हेवीनेस आपको यहाँ पे इसके लुक्स में देखने को बिल्कुल मिलने वाला है। LED में आपको यहाँ पे पूरी स्ट्राइप्स देखने को मिल जाती है, वो भी एक साइड नहीं दोनों साइड आपको देखने को मिलने वाली, जो कि काफ़ी मस्कुलर फील कराती है। और वही बॉडी कलर में आपको यहाँ पे इसके एक पार्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी मस्त लगती है। थोड़ी नीचे की साइड आओगे तो यहाँ पर आप इसकी सस्पेंशन चेकआउट कर लो। यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक फॉग देखने को मिल जाती है, 37 mm के आपको यहाँ पर इसकी डायमीटर देखने को मिलने वाली है। साथ ही यामा की आपको यहाँ पर स्टिकरिंग भी देखने को मिल जाने वाली है। और मैट ब्लैक में आपको यहाँ पर इसके जो मडगार्ड वो देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी स्पोर्टी आपको मिलने वाली है गाइस, बहुत मस्त लगती है। अब बात करें इसके व्हील्स की, तो यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर में आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाने वाले हैं, जो कि काफ़ी मस्त लगते हैं गाइस, काफ़ी कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर दे रही है। और इसकी बात करें इसके टायर सेक्शन की, तो यहाँ पर आपको 100x17 इंच के आपको यहाँ पे इसकी टायर प्रोफाइल देखने को मिल जाने वाली है। साथ ही ब्रेक्स की बात करें, तो यहाँ पर आपको 282 mm के आपको यहाँ पे डिस्क देखने को मिल जाती है। साथ ही आपको यहाँ पे ABS की रिंग भी देखने को मिलने वाली है। बाइब्री के डुअल पिस्टन ब्रेक्स कैलिपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो ब्रेकिंग के मामले में काफ़ी मस्त आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिलने वाली है। चलते थोड़ी पीछे की तरफ, बात करें इसके टैंक की, तो यहाँ पर आप देख लो गाइस, काफ़ी मस्त लग रही है ना ये वाले कलर पे, काफ़ी स्मूथ लगता है ऐसा, पूरी मैट फिनिश में आपको देखने को मिल जा रही है ना, तो काफ़ी प्यारी लगती है। FZX की आपको यहाँ पे 3D बैजिंग देखने को मिलने वाली है, और उसके नीचे आपको वर्जन 4.0 की भी स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है। थोड़ी सी डार्क ग्रे, ऑरेंज एंड ब्लैक का आपको यहाँ पर पूरी कॉम्बो देखने को मिल जाता है इसके ग्राफिक्स में। और थोड़ी आगे की साइड में आपको क्रोम की प्लेटिंग देखने को मिल जाती है, यानी फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी प्रीमियम टच दे देती है। कैपेसिटी की बात करें, तो यहाँ पर आपको 13 लीटर की फ्यूल टैंक देखने को मिल जाने वाली है, तो रेंज तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है। साथ ही आपको यहाँ पर नॉर्मल से आपको यामा की बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी, और जो आपको इग्निशन की जो की मिलेगी ना, वो आपको टैंक में लगाने की देखने को मिल जाने वाली है, जो काफ़ी मस्त है। और यहाँ पर आपको लेटेस्ट मॉडल मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको देख लो E20 की आपको स्टिकरिंग भी देखने को मिल जाएगी। थोड़ी नीचे की साइड होगा इस, तो यहाँ पर आपको इसके जो टैंक श्राउड है ना, उसके आपको एक एक्सटेंडेड पार्ट देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी मस्त लगता है गाइस, काफ़ी स्पोर्टिंग यहाँ पर आपको फील कराने वाली है। और उसके नीचे आपको फुल्ली ब्लैकआउट आपको इंजन देखने को मिल जाता है। ये जो इंजन है ना गाइस, काफ़ी स्मूथ आपको यहाँ पे इंजन देखने को मिल जाने वाला है, और काफ़ी रिलायबल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। डिटेल में बात करें, तो 149 cc की आपको सिंगल सिलेंडर 4-stroke 2-valve एयर कूल्ड BS6 phase 2 E20 कंप्लाइंट आपको यहाँ पे इंजन देखने को मिल जाने वाला है, जिसमें पावर जो आपको मिलती है ना, 12.3 PS की पावर देखने को मिल जाएगी, और वो आपको मिल जाएगी 7,250 RPM में। अब बात करें इसके टॉर्क की, तो वो आपको 13.3 Nm की देखने को हमें मिलने वाली है, वो आपको मिल जाएगी 5,500 RPM में। साथ ही इसकी गियरबॉक्स की बात करें, तो यहाँ पर आपको 5 speed की गियरबॉक्स देखने को मिल जाती है। और गियरबॉक्स ना गाइस, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत स्मूथ है। आपको ना बिल्कुल भी जैसे शिफ्टिंग करोगे ना, तो फर्स्ट शिफ्टिंग नहीं होने वाली, काफ़ी मस्त आपको यहाँ पर शिफ्टिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप देख लो, साइड स्टैंड, मेन स्टैंड दोनों आ जाती है, और साइड स्टैंड में आपको इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिल जाता है। और फुटरेस्ट की बात करें, तो यहाँ पर आपको रबर पैड में देखने को मिल जाने वाली, पूरी एल्युमिनियम फिनिश यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और पिलियन के लिए जो फुटरेस्ट मिलती है, वो आपको एल्युमिनियम फिनिश में देखने को मिल जाएगी। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपको एसेसरीज का पार्ट आपको देखने को मिलने वाला है, जब आप बाइक लोगे तो आराम से इसे अलग से लगवा भी सकते हो, जो कि काफ़ी मस्त है। और ये वाला जो आपको पूरा पार्ट देखने को मिलता है ना, फुली आपको ब्लैकआउट देखने को मिल जाती है, थोड़ी सी आपको टेक्स्चर फिनिश यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली, जो काफ़ी मस्त लगती है। अब बात करें गाइस, यहाँ पे आपको इसकी चेन कैसे देखने में जाती है, जो चेन की जो क्वालिटी है ना, सही बता रहा हूँ गाइस, बहुत अच्छी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आप देख लो ना, इसकी जो थिकनेस है ना, बहुत अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको
बॉक्स टाइप स्विंग आर्म देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको टायर हगर की जो आर्म है वो भी देखने को मिल जाती है, और छोटी सी क्यूट सी आपको यहाँ पर सारी गार्ड देखने को मिलने वाला है। बात करें इसके रेयर सस्पेंशन की, तो यहाँ पर आपको 7 स्टेप की आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाने वाली, जो कि काफ़ी मस्त आपको यहाँ पर राइड क्वालिटी और कम्फर्ट यहाँ पर देने वाली है। अब बात करें गाइस इसके रेयर सेक्शन की, तो यहाँ पर भी ना काफ़ी बल्किनेस आपको प्रोवाइड किया गया है। अब ये जो आप टेल लाइट देख रहे हो ना, ये आपको सेम MT-15 वाली टेल लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी मस्त लगती है। मेरे को बताऊँगा काफ़ी एकदम इंसेन लगने वाली है। और LED में तो आपको यहाँ पर ब्लिंकर्स मिल जाते हैं, बस यहाँ पर आपको हैलोजन मिस की नंबर प्लेट लाइट देखने को मिलने वाली है, लेकिन बाकी की चीज़ें आपको सारी की सारी आपको LED में देखने को मिल जाएगी। और इसके आप ग्रैब हैंडल्स भी चेकआउट कर लो सिंगल पीस में, लेकिन जो डिज़ाइनिंग है काफ़ी मस्त देखने को मिल जाती है। और ये जो आप सीट देख रहे हो ना गाइस, इसमें आपको सीट कवर देखने को मिलता है, तो ये भी एक्सेसरीज का ही पार्ट है, लेकिन काफ़ी मस्त आपको यहाँ पे सीट देखने को मिल जाती है। सिंगल सीट आती है, जो पैडिंग है ना काफ़ी प्यारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है। सीट हाइट की बात करें तो 790mm की सीट हाइट देखने को मिल जाएगी, साथ ही से ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ले तो 165mm की ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल जाने वाली है। और ओवरऑल इसकी वेट की बात करें तो 136kg की आपको यहाँ पर वेट देखने को मिल जाने वाली है, जो कि काफ़ी मस्त है। साथ ही इसकी बात कर ले गई इसकी फ्रेम की, तो यहाँ पर आपको डायमंड टाइप फ्रेम देखने को मिल जाने वाला, जो कि काफ़ी मस्त आपको यहाँ पर एजिलिटी एंड आपको फ्लेक्सीबिलिटी प्रोवाइड कर देती है, जो कि काफ़ी मस्त है। और अब बात कर लेते हैं गाइस इसके हैंडल बार और इसके फीचर्स की, तो यहाँ पर आप इसके हैंडल बार चेकआउट कर लो, एक बार इसके ओवरऑल लुक देख लो, काफ़ी मस्त लगते हैं गाइस आपको वाइड ग्रिप में देखने को मिलने वाला है। जब आप इसमें बैठोगे ना काफ़ी मस्त आपको यहाँ पर राइडिंग पोस्चर देखने को मिल जाने वाली है। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है, तो डिज़ाइनिंग आप एक बार मिरर की भी चेकआउट कर लो, काफ़ी स्टाइलिंग आपको यहाँ पर इसके मिरर देखने को मिल जाने वाले। और यहाँ पर गाइस आपको जो क्लच लीवर मिलती है, भले यहाँ पर आपको असिस्टेंट स्लिपर क्लच नहीं मिल रही है, लेकिन जो आपको स्मूथनेस मिल रही है ना काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको हेडलाइट कंट्रोल्स मिलते हैं, वही सेम R15 वाली, जिसके प्रीमियमनेस तो गाइस पूछो मत, क्वालिटी बहुत अच्छी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके स्विचेस में भी यहाँ ऊपर में आपको हाई बीम फिर लो बीम पास करने की स्विच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, उसके नीचे आपको टर्न इंडिकेटर की स्विच मिलने वाली है, और उसके नीचे आपको हॉर्न देखने को मिल जाता है। राइट की साइड आओगे तो यहाँ पर आपको फ्रंट ब्रेक ऑयल, इंजन किल स्विच, और उसके नीचे आपको स्टार्ट करने की स्विच देखने को मिल जाती है। अब बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो यहाँ पर आपको सेम MT-15 वाला आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको नीचे की साइड आपको यामा की ब्रांडिंग भी देखने को मिलने वाली है। अब इसमें आपको क्या क्या मिल जाती है, क्लॉक, टेकोमीटर आपको यहाँ पर मिल जाती है, स्पीडोमीटर देखने को मिलने वाली, TCS देखने को मिल जाती है यानी ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाने वाला। और आपको क्या मिल जाती है, तो इस तरफ आपको फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है, दो बटन मिलते हैं गैस सेलेक्ट एंड सेट का, सेलेक्ट का बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पर आप देख लो ओडो, ट्रिप वन, ट्रिप टू, ट्रिप एफ, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज किलोमीटर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली, जो कि ठीक है गाइज। अब इसमें ना एक फीचर्स की मेरे को बहुत कमी लगती है, वो है गियर पोजीशन इंडिकेटर। और TCS यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है ना, तो TCS की उतनी नीड नहीं होती है गाइज, क्योंकि यहाँ पर आपको उतनी पावर नहीं मिल रही है, 12.3 PS की पावर मिल रही है। हाँ भले टॉर्क आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल जाता है, आप बोल सकते हो कि यहाँ पर आपको टॉर्की इंजन ज़्यादा देखने को मिल जाने वाला है, बट रेदर देन पावरफुल इंजन, ठीक है। अब इसमें आपको ना कुछ वार्निंग लाइट्स भी देखने को मिल जाती है, जैसे आपको यहाँ पे गियर पोजीशन न्यूट्रल, इस तरह आपको ABS की लाइट, और एक बार मैं आपको ऑन ऑफ करके भी दिखा देता हूँ, तो ये आप चेकआउट कर लो, हाई बॉडी लिख के आती है गाइस। और इस तरह के आपको कुछ एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं, TCS एंड इंजन मैनुफैक्चरिंग की लाइट, और ऊपर में आपको स्विफ्ट लाइट देखने को मिल जाने वाला, और यहाँ पर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं मिलती है, ठीक है। तो उस चीज़ की मेरे को यहाँ पर कमी देखने को लगती है, आप बताना क्या आपको क्या लगता है। बात करें गाइस जब इसके रेयर व्हील की ना, तो यहाँ पर भी आपको फुल्ली ऑरेंज कलर में आपको ऑलवेज देखने को मिल जाने वाले, जो काफ़ी मस्त लगते हैं। टायर सेक्शन की बात करें ना गाइस, तो यहाँ पर आपको 140 सेक्शन का आपको यहाँ पर टायर देखने को मिल जाने वाला है। पूरी डिटेल में बात करें तो 140/60 R17 के आपको यहाँ पे इसके टायर प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी, और 220mm के आपको यहाँ पे डिस्क देखने को मिलने वाली, साथ ही आपको RLP सेंसर, क्योंकि यहाँ पर आपको सिंगल चैनल ही ABS देखने को मिल जाता है, और बाय ब्रेक यहाँ पर आपको सिंगल पिस्टन इसके ब्रेक्स कैलिपर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर गाइस आप इसकी एग्जॉस्ट भी चेकआउट कर लो, काफ़ी भारी भरकम आपको यहाँ पे इसके एग्जॉस्ट देखने को मिल जाती है। इसकी जो कवर प्लेट है ना गाइस, उसी की वजह से ज़्यादा भारी भरकम लग रही है, काफ़ी मस्त लगती है गाइस देखने में तो। और यहाँ पर ऊपर में आपको रियर ब्रेक ऑयल भी देखने को मिल जाता है, और एक बार मैं इसके आपको एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। एग्जॉस्ट नोट आप बताना गाइस कमेंट में कि आपको कैसे लग रही है। मेरी बताऊं अगर मैं अपनी बताता हूं
तो देखो ज़्यादा ना स्पोर्टीनेस नहीं मिलती, ज़्यादा ग्रंट नहीं है, ज़्यादा बेस नहीं है, काफ़ी स्मूथ आपको यहाँ पे इसकी एग्जॉस्ट नोट देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आप इसकी फुट पैक चेक कर लो, राइडर के लिए आपको रबर पैड मिल जाती है और एल्यूमिनियम फिनिश में आपको यहाँ पे इसके ब्रेक लीवर देखने को मिल जाने वाले हैं और यहाँ आके आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी इसके इंजन में। तो अब बात कर लेते हैं ना गाइस इसके माइलेज, इसकी टॉप स्पीड एंड इसकी प्राइसिंग की, कि अभी आपको रांची में क्या प्राइसिंग देखने को मिल रही है इसके एक्स शोरूम और ऑन रोड। पहले बात कर लेते हैं माइलेज की, तो आराम से ना 49-50-51 किलोमीटर पर लीटर की आपको यहाँ पे माइलेज देखने को मिल जाने वाली है। और टॉप स्पीड की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, 115 से लेकर 118 किलोमीटर पर आर की आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी। और अब बात कर ले गाइस इसकी प्राइसिंग की, कि अभी आपको रांची में क्या प्राइसिंग देखने को मिल जा रही है। तो एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो वो आपको देखने को मिल जाएगी 133,790 और ऑन रोड प्राइस की बात कर ले तो वो आपको देखने को मिल जाएगी 158,187। तो आप बताना गाइस मेरे कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी इसकी प्राइसिंग। और ये जो बाइक है ना गाइस अभी आपको फ्रेंड्स मोटर में देखने को मिल जाने वाला है। शोरूम से रिलेटेड सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अभी आपके स्क्रीन पे आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो आप बताना गाइस मेरे कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी ये बाइक और ये वीडियो। अब वीडियो अच्छी लगी हो, बाइक अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों पर शेयर कर देना, लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाना। मेरे जितने भी नए भाई ये वीडियो देख रहे हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, बहुत अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हो। तो मिलते हैं गाइस किसी और वीडियो में किसी और बाइक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस।